तो गाइस एक बार ये चेक कर लो, यह है एक स्त्री किट। तो गाइस एक बार ये चेक करो, ये रहा ड्यूक 250 खड़ा इधर, और इसका जो है भाई अभी रैपिंग खोलने वाले हैं। मेरे हाथ से खुजली हो रही भाई पूरा। देखो हमने ये BS30 वाला मॉडल ही है, लेकिन भाई फर्स्ट टाइम जब पे भाई साहब यारो साहब पहले मेरे साथ रेस करने चल रहा है क्या? तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप से अच्छे होंगे। तो गाइस आज का थंबनेल देखो तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि भाई आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक है ड्यूक में मॉडिफिकेशन। और आप लोग बोल सकते हो कि भाई आपका तो RC है, कौन सा ड्यूक और कौन सा मॉडिफिकेशन? तो वो मेरा बाइक नहीं है, वो मेरा पीसा का बाइक है। तो आज थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है, और जैसे कि ऐसे नया वजह लगाने के बाद एक भी वीडियो मैंने अपने बाइक के ऊपर नहीं बनाया था, क्योंकि अभी मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो महीना है ना भाई ये फुल्ली वेडिंग का महीना है। तो आप लोगों को पता होगा कि मैं वेडिंग का काम करता हूँ, तो इसी वजह से जो अभी मेरे को टाइम एकदम ही नहीं मिल रहा है कि भाई ये मोटर ब्लॉगिंग कर सकूँ। और अभी चेक करो गाइस मेडिकल मोड़ के इधर आ चुके हैं, और अभी जाते हैं उधर। उधर जाने के बाद बाइक को करते हैं मॉडिफिकेशन। आज थोड़ी सी नाइट को भी राइड करेंगे, वो भी आप लोग को दिखाएंगे, और आप लोग को ये भी दिखा देंगे कि भाई ये वजह लगाने के बाद रात को कितनी लाइट का पावर मिलते हैं मेरे को, क्योंकि जो ये लगाने के बाद लाइट का पावर जो है ना भाई वो थोड़ी सी कम गई है। तो वो भी आप लोग को दिखाएंगे कितना कम गया, और आप लोग को भी सजेस्ट करेंगे कि भाई ये लगाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो देखते हैं गाइस, वो देखो सामने उसका घर, तो आप लोग को दिखाते हैं। एक बार शायद से मैंने उसका ड्यूक के ऊपर वीडियो बनाया था, शायद से मतलब मेरे को याद नहीं, हाँ रील्स भी बनाया था। और ये आ चुका हूँ उसके घर में, और दिखाता हूँ आप लोग को, वो चेक करो वो है ड्यूक। तो गाइस एक बार ये चेक करो, ये रहा ड्यूक 250 खड़ा इधर, और इसका जो है भाई अभी रैपिंग खोलने वाले हैं। मेरे हाथ से खुजली हो रही भाई पूरा। देखो वाओ, देखो गाइस पैसा बर्बाद। इधर से भी खोलते हैं, तो ऐसे एक बार ये चेक कर लो, यह है एक स्त्री किट। अरे क्या गिर गया, अरे नाट इधर ही था, ये सब नाट मैंने लेके आया भाई। तो चेक करो गाइस, ये एक स्त्री किट, ये लगाने के बाद ना भाई बाइक थोड़ी सी बल्की लगती है। और जैसे कि इधर सामने हेडलाइट चेक कर सकते हो, ये BS4 वाला हेडलाइट है, लेकिन ये BS6 वाला मॉडल ही है, लेकिन भाई फर्स्ट टाइम जब पे गिर गया लगा ही नहीं, तो क्यों फिर फैला वो। इस बाइक का ओनर देख रहे हो, इस लग रहा है ये बाइक का ओनर है। तो भाई अभी इसको लगाते हैं, एंड आप लोग को मिलते हैं लगाने के बाद। बाकी जो है गाइस अभी देख सकते हो, इधर लगाना हो चुका है हम लोग का एक सर्किट, और अभी बाइक का लुक कुछ ऐसा आ रहा है जैसे तो इधर से। और ये स्टिकर खोलने के बाद और ज़्यादा भाई एकदम तबाही लगता, और पीछे का ये भी खोल दिया हमने। और इधर जैसे कि देख सकते हो ये BS6 वेरियंट बाइक है, मतलब कि BS6 DF250। तो इसका हेडलाइट जैसे कि आप लोग बता सकते हो कि भाई ये BS4 वाला हेडलाइट है। तो हुआ क्या था कि सीन भाई, जब ये फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था ना भाई BS6 में, तब ऐसे हेडलाइट आता था। उसके बाद एक दो महीने बाद जो है वो डिवाइड वाला, वो क्या बोलते हैं उसको, हेडलाइट आती थी। और अभी देख सकते हो इधर सामने से दिखा रहा हूँ आप लोग को, इधर देखो भाई थोड़ी सी बल्की हो चुकी है अपने बाइक, और इधर से थोड़ी सी ब्रूटल लग रहा है अभी देख सकते हो यार। ओहो मेरे RC से बहुत ज़्यादा हाइट लंबी है यार, BS4 ड्यूक से थोड़ी सी लंबी है ये बाइक। तो जिसका हाइट कम है मेरे जैसा, तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। तो गाइस जैसे कि अभी मेरे को देख रहे हो इधर, तो भाई अभी मेरे को बाहर देख रहे होंगे आप लोग, तो इधर सीन क्या हो गया था कि भाई जब मैं घर से निकल रहा था ना भाई, अभी मैं ब्लॉगिंग करते हुए निकला था, तो क्या हुआ कि भाई मैंने अभी रुक कर ना रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था, तो देखा कि मेरा वॉइस अच्छे से आया नहीं। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से वही रिपीट करना पड़ेगा मैंने जो बोला था पहले। तो गाइस अगर वो रिकॉर्डिंग हो जाता है तो सही है, वही दूंगा, अगर रिकॉर्डिंग नहीं होता है तो भाई ये वाला रिकॉर्डिंग मैं देने वाला हूँ। तो जैसे कि मैं कहा था, तो वैसे अभी ना गाइस पहले के मामले में ये जो बाइक है थोड़ी सी ब्रूटल लग रही है इधर से, मतलब कि बल्की लग रही है। आप लोग को कैमरे एंगल में दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन मेरे को तो भाई बहुत ज़्यादा ब्रूटल लग रही है अभी, तो मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं बताएंगे, थोड़ी सी ब्रूटल लग रही, मतलब थोड़ी सी बल्की लग रही है। अरे यार बच्चे यार एक्सीडेंट मिल रहा है भाई आज, ये पूरा गांव साइड है ना भाई, मतलब कि इधर मोटो ब्लॉगिंग बहुत कम ही करते हैं, इसी वजह से ना भाई देख रहे इधर हेलमेट के ऊपर क्या लगा हुआ है,
तभी ना इधर से बाइक को करते हैं यू टर्न, क्योंकि आगे ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि ऊपर देख सकते हो आसमान की हालत, मतलब अपना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होके रखा है, तो बारिश आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसे मैंने बैग भी नहीं लाया है क्योंकि भाई गोपड़ों का अंदर डाल दूंगा। भगाते हैं भाई, थोड़ी सी हाइपर राइडिंग करते, ओहो स्पीड ब्रेकर। और जैसे गाइस ये जो बाइक देख रहे हो ना भाई, बहुत मेंटेन में रहती है, बहुत मेंटेन, मतलब देख रहे हो गाइस कितना स्मूथ है एकदम। और ये बाइक ना भाई एक दो महीने के अंदर ही ना ये रैपिंग, फुल रैपिंग हो जाएगा, वो भी आप लोग को दिखाएंगे। मेरे साथ कनेक्ट रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो मैं कब वीडियो डाल दूंगा आप लोग को पता ही नहीं चलेगा। तो अभी देख सकते हो गाइस इधर थोड़ी सी हाइपर राइडिंग करते हैं। अरे भाई क्या कर रहे तू, पागल वागल हो चुका है कि तू लोग? क्या देख रहे हैं भाई यार? भाई को पसंद आ गई होगी शायद से। तो एंगल कैसी लग रही है आप लोग को? और ये बाइक है ना भाई बहुत कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल अपने आरसी के मामले में भाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो मेरा पसंद है आरसी, इसलिए मैंने आरसी ली थी, नहीं तो भाई ये ड्यूक भी कोई उतना ज़्यादा वो नहीं है कि भाई ये जो ख़राब मैं नहीं बोल सकता। लेकिन इसका मीटर अगर थिन एंड के मीटर होता ना भाई, और ज़्यादा मज़ा आता है ये मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के अंदर देखने में आप लोग को, क्योंकि उसका जो है TFT डिस्प्ले मिल जाता है और इसका नॉर्मल जैसे कि KTM में मिलती होंगे। सोच रहा क्या व्हीली मार दूँ, लेकिन मैं ना भाई इस बाइक में व्हीली नहीं मार सकता, क्योंकि अभी बोल सकते हो भाई ड्यूक 250 में तो ऑलरेडी आपने वो, अरे क्या क्या रिएक्शन मिल रहे भाई, ऐसे मार्क्स के अंदर से ऐसे ऐसे देख रहा था पूरा। और ये जागा कहाँ था मैं, ये व्हीली आ, इस बाइक में ना भाई मैं व्हीली नहीं मारूंगा, क्योंकि इसका जो ओनर है ना भाई मेरे को व्हीली मारने के लिए मना करता है, और अगर व्हीली मार भी दिया तो भाई बाद में वीडियो देखने के बाद तो मेरे को कभी भी बाइक चलाने नहीं देगा। तो समझ रहे ना गाइस, अगर व्हीली भी मार दूंगा ना भाई मैं कट कर दूंगा। कट कर देना प्लीज। बाकी जो है गाइस अभी मैं उसका घर जाके बाइक को रख के अपना बाइक के लेके जाऊंगा घर, नहीं तो आज देखते हैं इसको लेके जाते हैं कि नहीं। तो वही भाई मैं जो है ना भाई अभी पीछे को जाने के लिए रेडी था, लेकिन पीछे भाई भयंकर वो ट्रैफिक दिखा मेरे को, तो उधर मैं नहीं जाऊंगा, इधर ही थोड़ी सी हल्की सी घूम के आते हैं। और जब रैपिंग हो जाएगा तब मैं एक दो दिन के लिए मांग लूँगा, शायद से देगा ही, और वीडियो देखने के बाद तो भाई जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे को देगा ही बाइक। तो देखो यार थोड़ी सी हाइपर राइडिंग कर रहा हूँ मैं अभी। ओहो तो गाइस मेरे को ना अभी बाइक को यू टर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ना देखा नहीं था कि भाई इसका बैटरी, तो भाई गोप्रो का बैटरी ख़त्म हो रहा है, और इसका जो एक्स्ट्रा बैटरी रहता है वो मेरा बैग के अंदर ही रह गया, तो बैग मैंने उसका घर में रख दिया था। और थोड़ी सी नाइट राइड भी आज हो जाएगा यार भयंकर, कभी मैंने गोप्रो के अंदर मतलब नाइट राइड नहीं की थी अपने बाइक के अंदर, तो मैंने पहले भी बताया था आज जो थोड़ी सी नाइट राइड करेंगे। और मेरा जो RC में पावर पार्ट लगाया न्यू वाला, तो उसका भी रिव्यू आप लोग को देंगे कि भाई रात में कितना ज़्यादा वो पावर प्रोड्यूस करती है, मतलब हेडलाइट का पावर कितना ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। और सामने से नहीं जाएंगे भाई, भयंकर पकड़ रहा है पुलिस। तो कैसे अभी जाए हम लोग फिर से आ चुके हैं इस गली में, तो जाते हैं बहुत जल्द, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि भाई इसका बैटरी एकदम ख़त्म होने वाली है। तो सामने देख सकते हो आगे मेरी बाइक खड़ी हुई है, तो इसको भी उधर खड़ी करके आप लोग को इसका वो दिखाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, व्यू दिखाते हैं इस बाइक का। अभी लगता है बैटरी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 1% हो गया पूरा। तो ये तो देख रहे हो गाइस, इधर मेरे लिए मैगी लाया है लेकिन अभी तक बनाया नहीं है, ये देख रहे हो, ये कमीना है, ये तुम्हारी डालेगा कब। तो मजाक कर रहा था मैं, वो ऐसा जाली इंसान नहीं हूँ कि भाई मार दूंगा किसी को। तो भाई जैसे कि इधर देख सकते हो, इधर एक छोटी सी बार बना के रखी है पूरा एकदम भयंकर, देख सकते हो इधर BRCR ये भी, ये सब सही नहीं है यार, ये सब खाना सही नहीं है, तो लोग के घर में मैं रेट फैला दूंगा कभी देखना। और चल निकल रहा हूँ मैं, ठीक है भाई। जैसे कि देख सकते हो अभी शाम के मतलब रात के 7 बज चुके हैं, और आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया, और ड्यूक चला गया, ड्यूक उसका काम का टाइम हो गया ना भाई, चला गया। और गाइस ये ना मेरा फर्स्ट टाइम है नाइट राइड वाला वीडियो मैं अपलोड करूँगा अपने चैनल में, और बताना यार कैसे आ रहा वीडियो। ओहो भाई अभी एक्सीडेंट हो जाता,
और देख लो गाइस, वो पावर पर लगाने के बाद थोड़ी सी जो अपनी पावर, लाइट का पावर है ना, वो थोड़ी सी कम गई है। तो इधर देख सकते हो थोड़ी सी, मतलब उतना ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है। फिर भी गाइस मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई ये मत लगाना। अगर किसी का शौक है ये लगाने के लिए तो मैं मना नहीं करूँगा उन लोग को। और बस अभी जो है ना तब भी ठीक है, और जब ठंड का मौसम आएगा ना तो भाई थोड़ी सी रोड जो है फॉगी फॉगी रहेगा, तब चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है बाइक में। और गाइस जैसे कि देख सकते हो अभी मैं आ चुका हूँ सिग्नल के सामने, मतलब मेडिकल मोड़ के सामने। अभी इधर से निकलता हूँ अपने घर के, वो थोड़ी सी रात को हाइपर राइडिंग करते। भी बताना मेरे को कमेंट करके कि भाई नाइट का वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है या नहीं। तो गाइस अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो भाई कभी मैं ऐसा नाइट का वीडियो अपलोड नहीं करूंगा अपने चैनल में। अगर अच्छा लग रहा है तो भाई वो भी कमेंट कर देना, क्योंकि नहीं तो फिर भाई मतलब मैं समझ लूँगा, अगर कोई कमेंट नहीं करेंगे तो भाई मैं समझ लूँगा कि भाई आप लोग को नाइट का वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसी कारण नाइट में और वीडियो नहीं बनाऊँगा मैं कभी भी। तो देखते गाइस कौन कौन मेरे को कमेंट करते हैं। भाई साहब यार, रोड साइड पर मेरे साथ रेस करने चल रहा है क्या? चलो चलो कंटेंट में मिल जाएगा। और गाइस ये कोई क्लिक बेट वीडियो नहीं है, डायरेक्ट रैंडमली ऐसे मिल रहे हैं मेरे को। ओह भाई ये तो अलग ही मौत में है यार, इसको दिखाता हूँ फिर। ये अपना बंदा नहीं है, मैंने बताया था अभी, मैं बता रहा हूँ अपना बंदा नहीं है। ऐसे भी रैंडमली मेरे साथ रेस लगा रहा है तो क्या है यार, रेस खेलने में मजा ही आता है। मेरे को हराना है यार, कुछ नहीं लगे अभी आज से कौन लेते हैं। और वो आर रोड पर खींच लिया भाई, लेवल ही अलग है भाई। मेरा नाइट के आने में भाई कोई तो काम में आया कि भाई ये कंटेंट तो मिल गया। अभी देखना भाई मेरे सामने से कैसे मिल जाएगा। नहीं स्लोली जा रहे क्योंकि सामने ये बैरिकेड है ना भाई। वो बैग में पूरा उड़ रहा है बेंचो, वो बैग का चेन खुला है भाई। बैग का चेन खुला है यार, वो उधर से निकल गया है, मेरे को देख कर ही शायद से वो आया था। अभी मैं आ चुका हूँ फाइनली सिमोनी वाला फ्लाईओवर में। तो अभी मैं वीडियो को ना भाई हम लोग ऐड करते हैं, क्योंकि आज शायद से बहुत लंबा हो चुका है वीडियो। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा भाई कमेंट कर देना, और चैनल में नहीं है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को कर देना एक छोटी सी लाइक। तो ऐसे मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, बाय बाय।